नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा वीडियो उन बहन और बेटियों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये मार में, हालांकि ये काफ़ी टाइम से मेरे नॉलेज में है, बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे मेरे सामने आते हैं कि मान लीजिए आज कोई, बहुत सारी बेटियों का, बच्चियों का ये सपना होता है कि हम NRI के साथ शादी करें, या फिर पढ़ा लिखा बंदा जो विदेश में सेटल है उनके साथ शादी करें, या फिर हम भी उनके साथ विदेश में जाएं, या फिर दूसरा ये भी होता है कि बहुत सारे एजुकेटेड होते हैं, अच्छी नौकरी में होते हैं, या फिर बिजनेसमैन पैसे वाले होते हैं, तो NRI फिर उनको ये बोल देते हैं कि भाई ठीक है, आप हमारी, आप उनकी शादी हो जाती है, उनको ये पहली शर्त रखी जाती है कि हम आपको शादी होने के बाद विदेश में साथ में रखेंगे। और NRI जो शादी होती है इसमें 80% 90% यही कंडीशन पे शादी होती है कि भाई शादी होने के बाद उनकी पत्नी उनके साथ रहेगी। लेकिन उसके उलट होता क्या है कि जैसे 15-20 दिन, महीना, 6 महीने बाद में NRI पति पहुंच जाता है विदेश में, और उसके साथ चीटिंग ये हो जाती है 80% मामलों में देखा है। और खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उधर के ये सबसे ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा पंजाब में, कि NRI पति शादी कर लेता है, मोटा धन ले लेता है, NRI विदेश, आपको पता है कनाडा के नाम से पंजाब में कितनी ठगी होती है, NRI अगर है तो बहुत मोटा पैसा वो दहेज में लेते हैं कि हमारा बेटा तो NRI है जी, इतना कमाता है, हमें 20 लाख दो, 30 लाख दो, दहेज में मांग लेते हैं। फिर पता चले शादी हो गई, 6 महीने बाद पति पहुंच गया विदेश में, फिर पत्नी से बातचीत करना बंद कर दिया विदेश लेके जाने की, तो बड़ी बात है। कईयों के ये होता है कि उनके पीछे से बच्चे, मतलब स्थिति ये हो जाती है खासतौर से कि पत्नियों को धोखा मिलता है। तो ये वीडियो उन बहन बेटियों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पति ने आपके साथ इस तरह की कोई शादी की थी, कोई कंडीशन रखी थी और आपके साथ चीटिंग हुई है, तो सीधा सा ऑप्शन है, आपका पति आपसे बात नहीं कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, आपको वो खर्चे के लिए पैसा नहीं दे रहा है, जो सामाजिक जीवन में जीने के लिए पति को, पत्नी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, हो सकता है आपके बच्चे भी हों, उनकी वो केयर नहीं कर रहा है, आपसे बातचीत, आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपसे मिलने के लिए मतलब विदेश से यहाँ नहीं आ रहा है, बहाना बना रहा है, या फिर उन्होंने वहाँ पर शादी कर रखी है। बहुत सारे केसेज ये देखे हैं जापान में, कनाडा में, सिंगापुर में, कि वो वहाँ सेटल हो जाते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, वहाँ पर परमानेंट वीज़ा लेने के लिए ऐसा भी होता है, जबकि वो हकीकत ये होती है कि यहाँ की घर परिवार को, अपने बीवी बच्चों को तक नहीं बताते। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है भाई, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ कुछ भी, आप गलत है, आपके साथ है ऐसा हो रहा है, तो आपको एक ऑप्शन देता हूं मैं कि आप राज्य महिला आयोग हर जिले में बना, हर डिस्ट्रिक्ट में, या फिर हर स्टेट लेवल पे ये राज्य महिला आयोग बना होता है, वहां पे आप अपने एविडेंस के साथ, सबूत के साथ फेस हो अप्लीकेशन के साथ में कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसी ऐसी कंडीशन में हमने शादी की थी, आज वो नहीं तो बात करता है, नहीं हमें पैसे देता है, और उसने दूसरी शादी, जो भी आपके पास एविडेंस हो वो के राज्य महिला आयोग के सामने पेश हो जाए, और उसके पासपोर्ट की कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, कितने टाइम से आपसे बात नहीं कर रहा है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट लेके आप उनके सामने पेश हो, 100% आपकी वहां सुनवाई होगी राज्य महिला आयोग में, और वो फिर एक्शन लेंगे, विदेश मंत्रालय के ऊपर प्रेशर देंगे इसमें आपके पास, लेकिन एविडेंस होने चाहिए, ये नहीं कि मुंह आप बिना कुछ किए अपने पति से बदला लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लीगल तरीके अगर आप अपनी जगह सही हो तो ये कदम आप उठा सकते हो, 100% आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा आपके हस्बैंड की तरफ से, जो NRI बन के विदेश में बैठा है, या तो वो मोटा पैसों के लालच में वहाँ बैठा है, या उसने दूसरी शादी कर ली है, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आप कर सकते हैं कानूनी, आप कानूनी दांव पेच के हिसाब से राज्य महिला, आप मुकदमा आप करोगे तो कोई सारांश नहीं लिया, आप दहेज का मुकदमा कर दोगे, 420 का कर दोगे, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। राज्य महिला आयोग स्टेट लेवल का होता है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है विदेश मंत्रालय पे। अभी ये अखबार की कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, सबसे ज़्यादा कनाडा पंजाब में ये है। तो अगर आप बहन बेटियों के साथ ऐसा है तो आप अपने हस्बैंड को समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहा है, तो ये लीगल एक्शन उनके खिलाफ आप ले सकती है मजबूती के साथ खड़े होने के बाद। हो सकता है मेरे वीडियो पे जो NRI है वो नेगेटिव कमेंट करें, लेकिन सच्चाई यही है जो दुनिया के सामने सच है वो होके रहता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ इसी तरीके से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।